नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीका क्यू 2007 लिमिटेड एडिशन के बारे में, जो कि एक अच्छे प्राइस सेगमेंट में आता है। और गाइस, बात करें कैमरा क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी की, तो मेड इन जर्मन है, तो आपको नॉर्मल बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। और गाइस, बात करें प्राइस सेगमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ जो फंक्शनैलिटी है उस पर बात करें, तो आपको जो मेगापिक्सल मिलता है 47.3 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलता है, जिसमें फुल फ्रेम सेंसर दिया गया है, और जो आता है 3.68 मिलियन डॉट OLED व्यू फाइंडर। मतलब यह है कि आप इधर उधर किसी भी एंगल से डिस्प्ले देखेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखाई देगी। और गाइस, जो इसका आपको 28 mm फिक्स प्राइस स्लिम मिलीलक्स, जो बात की जाए पिक्सल जो फटने पे एक्चुअल दिखाई देता है, मतलब जितना कम होता है उतना अच्छा होता है, 1.7 है इस पे। और नॉर्मली आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी मिल जाता है। और बात करें प्रोटेक्ट वाटर से भी है, फर्स्ट कैमरा होगा ये ऐसा कि जिसमें आप नॉर्मल पानी के अंदर भी डुबो दो तो खराब नहीं होगा। लेकिन गाइस, जो इसकी पिक्च क्वालिटी है, और जो इसका मतलब 4K रिकॉर्डिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप 5,86,364 रुपए का इसे मार्केट में बेचे, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में आपको बहुत अच्छे कैमरे मिल जाते हैं कैनन के। क्योंकि ये आप ऐसे नहीं कह सकते कि वाटर रेजिस्टेंट या डस्ट रेजिस्टेंट दे दिया तो हम कहीं भी कूड़े में फेंक दिया, कहीं भी गिर जाए तो कैमरा बच जाएगा। आपको केयरिंग तो रखनी ही पड़ेगी। तब केयरिंग रखने की बात है तो आप और अच्छी बिल्ड क्वालिटी के कैमरे कैनन के, सोनी के भी ले सकते हैं वीडियो बनाने के लिए। गाइस, स्पेशली बात करूं तो ये वीडियो बनाने के लिए नहीं है, स्पेशली फोटोग्राफी के लिए। और फोटोग्राफी के लिए ले रहे हैं तो आप और अच्छी कंपनी के कैमरे ले सकते हैं इसी प्राइस सेगमेंट में। और गाइस, कुछ खासियत की बात करूं तो कुछ ज्यादा खास नहीं मिलता कैमरे में, आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटी मिल जाती है, मतलब लेंस के अंदर और कैमरे के अंदर नॉर्मली जो फंक्शनैलिटी होती है वही आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन गाइस, जो टोटल मिला के प्राइस सेगमेंट की बात की जाए, 5,86,364 रुपए, जो कि बहुत ज्यादा महंगा है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।